अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन कोर्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है आज कराची में और बहुत अच्छा मौसम है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है लेकिन हवा बहुत तेज़ है। जानवरों को बचा के रखना है, हवा बहुत ख़तरनाक हो सकती है जानवर के लिए, ये बात याद रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जो मेन टॉपिक है हमारा आज, उससे बात करेंगे क्योंकि मैसेज भी आए हुए थे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, हैदर भाई हमें बताया कि यार बकरों की झालर कैसे आएगी, जैसे कि पिछड़ों में होती है या आपने देखा होगा अक्सर गले में झालर होती है अच्छी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक आसान सी बात समझा दूँ। वॉइस क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो रही हो थोड़ी, देख सकते हैं आप, ये मेरे पसाद जो है ना, ये देख सकते हैं, ये देखें, चौकों की झालर देखें आप, सही है, ये देख, ये इसकी झालर है, सही है ये इसकी, लेकिन कोई बहुत अच्छी झालर नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये झालर बेकार, मतलब किसी काम की नहीं है। मतलब जो आप जिस झालर की बात कर रहे हैं, जो ब्रीड क्वालिटी की बात होती है दोस्तों, वो आती है ब्रीड क्वालिटी से। मेरे पास जो बच्चे हैं वो अभी ब्रीड क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं है दोनों, सही है। सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि मसला ये होता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं किस तरह झालर बनानी है बच्चे की, तो दोस्तों बच्चे की झालर बनती नहीं है। बच्चे की झालर कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ब्रीड की ब्लड लाइन की क्वालिटी की बात होती है कि उसका बाप कैसा था, उसकी माँ कैसी है, उसका दादा कैसा था, इस तरह से बच्चे की जो है वो झालर बनती है। इसके साथ साथ आप जो है अपनी अपने बकरे की खाल में कैसे शाइन ला सकते हैं, खाल को लूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब अक्सर आपको लगता है कि यार बकरी की झालर नहीं थी लेकिन लूज़ हुई खाल तो उसकी झालर बन गई, वो क्या होता है कि जब आप अपने बकरे पे घी का और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने जानवर पे, और आइवरमेक्टिन के कोर्स जो है बिल्कुल टाइम से करवाते हैं, ओरिजिनल आइवरमेक्टिन के, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि झालर जो है वो बनाने से नहीं बनती, मतलब बेसिकली आप उसको जानवर को अपना खूबसूरत कर सकते हो ऑयल टाइम से देके, जो कि अभी टाइम नहीं है, अभी घी का टाइम है, घी दे सकते हैं आप। अच्छा, अभी आखिरी का मौसम है, जा रहा है मौसम, ये कराची में तो एक महीना सर्दी मुश्किल से और रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि कल तो काफ़ी गर्म मौसम था, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे तो सर्दी तकरीबन एंड पे है। तो इसके बाद हमारा जो है वो तेल और दही का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सही है। तो वो जो है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये इत्तेफाक से आ गया, ये देखें, ये देख, अब इसकी झालर नहीं है, सही है। अब मसला ये कोई बहुत अच्छी ब्रीड नहीं है, ये कोई गुलाबियों में का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बेहतरीन गुलाबी का बच्चा हो ये, जो उसकी झालर बहुत अच्छी हो। वो आपने देखा होगा, एक एक बारिश की झालरें होती हैं बच्चों की, लेकिन उनके प्राइस ही फिर वो एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख बच्चे की डिमांड कर रहे होते हैं, सही है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका, आप अच्छा ब्रीडर रखें घर में, अच्छी बकरी रखें, आपके बच्चे जो निकलेंगे वो बेहतरीन झालर वाले निकलेंगे, और जब आप उन पर मेहनत करोगे तो वो गाय की तरह जो होती है ना, बिल्कुल लहराने वाली झालर बनाएंगे। तो दोस्तों, यही थोड़ी सी बात थी जो मैंने करनी थी, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हवा चल रही है अभी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा वीडियो में वॉइस क्वालिटी ख़राब हो रही है, बाल जिस तरह उड़ रहा है, हवा बहुत तेज़ है कराची में इस वक्त, वैसे पाकिस्तान में हो सकता है तेज़ हो। तो आपने इस टाइम पर, ये हवा ठंडी है, अपने जानवरों को बचा के रखना है, वैसे तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत के, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो है ये जानवर जो है ना बाल नाजुक होते हैं, अगर इनको हवा लग गई तो ये एक ही दिन में बैठे नहीं आएंगे और खड़े भी नहीं होंगे, और कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी खड़ा नहीं कर पाएगा, इतनी ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों ये हवा, सही है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को खास ख्याल रखेंगे, हवा से अपने जानवरों को बचाएंगे, कोशिश करें बीमारी में ना आए, बुखार वगैरह में जानवर ना हो, सही है। और कोई टॉपिक हो आपके पास बात करने के लिए, कोई टॉपिक हो पूछने के लिए, तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे HAIDER.A.SHAH, HAIDER.A.SHAH पे पर्सनल। और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोर्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।